हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी के समय जब हमारा बेबी मूवमेंट करता है, मींस मूव करता है, तो क्या किस तरह का दर्द होता है, वो सामान्य होता है या असामान्य होता है? क्योंकि किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करता है, ठीक है। और किसी को बहुत हल्के ही मूवमेंट महसूस होते हैं, हल्का फुल्का दर्द होता है, तो क्या ये सामान्य नॉर्मल है या फिर कोई प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने डियर मॉमीज़ को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा आपके बम में अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, मीन्स आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको इतने अच्छे से मूवमेंट महसूस हो रहे हैं, और मीन्स इसका एक इंडिकेशन इस ओर है कि आपका बच्चा हेल्दी है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ कम्प्लीट निकल जाता है और हमें ये मालूम नहीं चल पाता कि बच्चे के मूवमेंट किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके बेबी की मूवमेंट बहुत अच्छे से हो रहे हैं तो मीन्स आप समझ सकती हैं कि हाँ आपका बच्चा हेल्दी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये दर्द किस प्रकार से होता है और कौन से महीने में स्टार्ट होता है। देखिए, मोस्टली जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो बेबी जब मूवमेंट करता है तो फिफ्थ मंथ से अच्छे से हमें मूवमेंट उसके महसूस होने लगते हैं और आप आराम से फील कर पाओगे कि हाँ हमारा बेबी मूवमेंट कर रहा है। बट किसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको फोर्थ मंथ से ही मूवमेंट आराम से महसूस होने लग जाते हैं, हल्का हल्का। आपको ऐसा लगेगा जो भी हमारा जो पैंटी एरिया है वहाँ पे आपको एक बॉल के आकार की कुछ चीज़ आपको मूव करती हुई या उभरती हुई नज़र आएगी। मीन्स ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं होते, हल्का सा वो उभार ऊपर आता है। आप आराम से जब अपने हैंड को उस पर टच करोगे तो आराम से आप फील कर पाओगे कि हाँ वहाँ पर कुछ उभरा हुआ है, कुछ वहाँ पर हल्का फुल्का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ में ऐसा होता है कि हमें मूवमेंट महसूस होने लग जाती है। लेकिन जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि मीन्स बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा बेबी है हमारे यूटेरस में होता है, हमारे गर्भ में होता है, तो जब वो मूव करता है तो हमें किस प्रकार का दर्द होता है। देखिए, डिफरेंट तरीके का ये दर्द होता है। कहीं कहीं तो हमें ये बहुत तेज महसूस होगा, कहीं कहीं पर हमें हल्का सा महसूस होगा, कभी ऐसा लगे कोई कट सा लग गया, या फिर ऐसा लगेगा कि कहीं कोई नस सी खिंच रही है, आपको खिंचाव महसूस होगा। क्योंकि क्या होता है, ये बच्चा होता है जब छोटा सा होता है वो अपना स्पेस बनाता है, ठीक है, अपने आप को वहाँ पर मूव करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाता है। तो हमें जो वहाँ की मांसपेशियाँ होती हैं, वहाँ की जो स्किन होती है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी आपकी जो गर्भाशय की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। कभी ऐसा लगेगा कि कोई बहुत मीठा मीठा सा दर्द है, कहीं से कोई खिंच रही है, स्किन खिंच रही है, कहीं से नसें खिंच रही हैं। तो इस तरीके से ये अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है और हर प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा होता है। ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा मूव करेगा ना, तो मूव करने के साथ आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो यूरिन, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, यूरिन ब्लेडर होता है, वहाँ पर आपको प्रेशर महसूस होगा। लेकिन जब वो शांत हो जाएगा बच्चा तो मीन्स आप नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन जैसे ही वो मूव करता है तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, हमारे यूटेरस का, हमारे यूरिन ब्लेडर पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो उससे हमें वो चीज़ महसूस होती है कि हाँ हमें यूरिन करना है क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके मूवमेंट करने की वजह से ऐसा होता है। तो ये कई तरीके का दर्द होता है, हल्का फुल्का भी आपको महसूस हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी आपको महसूस हो सकता है। कभी कभी आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, और आपको मीन्स पेन फील होगा, ठीक है, नसों में खिंचाव होगा, स्किन थोड़ी स्ट्रेच होगी, क्योंकि वो अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अपने लिए स्पेस बना रहा है वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, कैसे करें, और कहीं ये मेरे साथ ही तो नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं कि ऐसा मेरे ही साथ हो रहा है क्या, कि हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा होता है। तो माय डियर, ये हर किसी के साथ सेम होता है, बस
थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, किसी को हल्का होता है, किसी को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट इट्स नॉर्मल, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो जो कि वीडियो की हेडलाइन थी कि प्रेगनेंसी के समय बच्चे का मूवमेंट करने में दर्द होना सामान्य, तो बिल्कुल माय डियर ये सामान्य है और आपको ये महसूस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो रहा है और पर्टिकुलर आपको एक ही प्लेस पर महसूस हो रहा है कि एक ही जगह पर आपको वो महसूस हो रहा है और आप उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं। तो जब आप उस मूवमेंट को, बच्चे की मूवमेंट को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है, तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत है, हो सकता है कि बच्चे को मूव करने के लिए प्रॉब्लम हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं यही कहूँगी कि रेगुलर आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आपको एक ही जगह पर्टिकुलर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ चीज़ कट कर दी है या वहाँ पर खींच रहा है कोई, मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि रूटीन चेकअप से हमें ये पता चलता रहता है कि हमारे यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, कहीं पानी की कमी तो नहीं है, बच्चे के जो नेक में प्लेसेंटा तो नहीं फंसा हुआ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की नेक में प्लेसेंटा जो गर्भनाल होती है वो फंस जाती है, ठीक है, तो बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चल जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे एक ही मीन्स पर्टिकुलर एक ही जगह पर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो आपके डाउट क्लियर होते रहते हैं और आपके बच्चे की हेल्थ भी मेंटेन रहती है और आपकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी रिकवर जल्दी से हो जाती है। तो माय डियर मॉमीज, आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रेगनेंसी के समय जब बेबी मूवमेंट करता है तो दर्द होना कितना सामान्य है और कितना एबनॉर्मल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। आई होप अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।